हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अब ब्लीच करने से पहले और बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ब्लीच करना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट हमें ब्लीच बहुत ज़्यादा कम करनी चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स ही हमें ब्लीच करनी चाहिए। इससे हमारे जो फेस पे जो भी हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो सारे ब्लीच हो जाते हैं। ब्लीच करने से पहले सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। कभी भी हमें मेकअप करके वैसे ही ब्लीच नहीं करनी चाहिए। बाहर से आते उसी टाइम फेस पर ब्लीच नहीं करनी चाहिए, अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश करके ही ब्लीच करनी चाहिए। हो सके तो रात को ही ब्लीच करें। तो फ्रेंड्स, ब्लीच आपको 2 या 3 मंथ्स बाद ही करनी चाहिए। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको ब्लीच लेनी है। सबसे अच्छी वाली ब्लीच लीजिए, हल्दी की जो ब्लीच होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटर आप बहुत ही कम यूज़ करें और 5-10 से 15 मिनट ही अपने फेस पर ब्लीच रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। इससे आपके फेस पर नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए इसे बहुत ही एक्टिवेटर बहुत ही कम यूज़ करें। अगर इसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, क्लीन वाटर से आप अपना फेस वॉश कीजिए। कोई भी फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना और 4 से 5 घंटे के लिए आपने अपने फेस पर कोई भी क्रीम नहीं लगानी। अगर आपके फेस पर रैश हो रहे हैं तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी बाहर जाना पड़ रहा है धूप में, तो कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें, जैसे कि वाटर बॉटल, सनग्लासेस, अम्ब्रेला, हैट। इन चीज़ों से आप धूप से बच सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए जब भी आपको बाहर जाना हो। अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे गोरी, निखरी, चमकदार अपनी स्किन बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।